सीरियल्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, तो आपको इस पूरे माहौल में, इस पूरी भीड़ में साइको किस तरह से मिला? एक तो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. जब मुझे लखविंदर सर ने सुनाया था कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, तो अभी तक तो मैंने देखी नहीं ऐसी कोई स्टोरी जो बनी है. हाँ, मर्डर टू वगैरह बनी है, उसमें भी साइको दिखाया है, बट ये डिफरेंट है, इट्स अ वेब सीरीज. तो ऑल ओवर मुझे ये लगा कि हाँ, मतलब मैंने कुछ ऐसा कभी किया नहीं है, यू नो, साइको का ऐसे पागलपन देखा नहीं है, तो आई थॉट किया जाए काम भी. अच्छा, देखिए, हर किसी इंसान के अंदर कोई अच्छाई होती है, कोई बुराई होती है. कुछ मायनों में हम कह सकते हैं कि एक साइको सबके अंदर होता है. अगर ये सवाल आपसे किया जाए, तो कितना परसेंट आपको महसूस होता है कि आपके अंदर कितना परसेंट है साइको? आई वुड से 50%. 80%? 50. ओह माय, 50. नॉट 80. और जिस साइको के साथ आपने काम किया, वो 100% था? या, ही वाज 100% साइको इन हिज रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ. बिल्कुल बिल्कुल. और कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप लखविंदर जी के साथ आपने काम किया, मुनीश खान साइको बने थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा कुल मिला के? बहुत अच्छा रहा. सर ने बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराया था सेट पे, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल शूट पे. पहले समझाते थे सारे सीन्स, उसके बाद ही हम लोग शूट करते थे. एंड मुनीश, ही इज आल्सो वेरी गुड एक्टर, वेरी वेल परफॉर्मड. सो या, इट वाज नाइस. निशा, आपकी, आपके नाम का जो मतलब है, उसका मतलब नाइट होता है, रात होती है, और पूरे माहौल में जिस तरह से आपने एक साइको को झेला, कैसा, मतलब ये कितना, मतलब इसको आपको वाकई जब शूट के बाद आप घर जाती थी या फिर शूट के लिए आती थी, तो क्या लगता था आपको, साइको कितना परेशान करता था? नहीं, मैंने झेला नहीं है, मैंने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया ये एक्सपीरियंस. और मोनीश ने, हाँ, मुझे जब सीन करते थे हम लोग, तो वो बहुत, यू नो, अंदर कैरेक्टर के इतना घुस जाता था, फिर मुझे ना कभी डर लगता था कि सच्ची मुझे मार नहीं डाले. अच्छा. तो घर जाके वाज ऑल ओवर. घर जाके ऐसा कुछ टेंशन नहीं, मुझे ड्रीम्स नहीं आए. कभी सपने में भी आता था साइको? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. बट हाँ, उस टाइम पे डरती थी मैं. देयर वाज अ सीन जब वो मुझे बांधता है टेप से, तो वो इतने कैरेक्टर में था, टेप से बांध के, लाइक ओके, मैं डर गई थी थोड़ा कि भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है. रियल लाइफ में कभी इस तरह के कैरेक्टर को आपने देखा है, या इससे कम या थोड़ा ज्यादा? थोड़ा कम, बट देखा है. हाँ. आपको लोग पूछेंगे कि निशा, आपका सीरीज मैं क्यों देखूं, तो उनको क्या समझाएंगे आप, क्यों देखें आपका सीरीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी डिफरेंट वेब सीरीज. ये दूसरे वेब सीरीज की तरह नहीं है, वो पूरे 3 एपिसोड्स ही हैं. इट्स नॉट कि 10 एपिसोड्स आपको वेट करना पड़ेगा क्लाइमेक्स का. और आपको पता है कि ये साइको है, दिस पर्सन इज अ साइको, तो ही इज गोना किल एवरीबडी. पर जो, जिस तरीके से वो मार रहा है, जो उसके फेस पे इतना दिखाया है कि ही इज सो हार्टलेस कि बस अब तो उसको मार के ही संतुष्टि मिलती है, इट्स वेरी डिफरेंट. सो आई टेल देम कि देखो, बहुत डिफरेंट है, तुम लोग को मजा आएगा. और आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट पे अलग अलग फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं, ऐसे में आप अपने साइको को कितना अलग मानती हैं? अलग अलग तरह के तो आ रहे हैं सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स अच्छे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एंड साइको भी एक अच्छा सब्जेक्ट है. मैंने देखा है कि कोई वेब सीरीज नहीं आई है ऐसी साइको के नाम से, या फिर कोई सीरियल भी नहीं बनाया अभी तक साइको के नाम से. सो ये अपने आप में ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें 3 स्टोरीज दिखाई हैं जो कि अलग अलग लड़कियाँ हम लोग प्ले कर रही हैं. निशा, आपके पहले हमारे इसी खास कार्यक्रम में वो आई थी काजल राजपूत, और उन्होंने बताया था कि वाकई बिरयानी को लेकर एक घटना ऐसी घटी. हाँ. जिसको वो कभी भूल नहीं पाई. आपसे ये सवाल है मेरा कि साइको के अंदर जब आप पूरा शूट में बिजी थी, तो कोई ऐसी घटना याद है जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगी या आज शेयर करना चाहेंगी? जो रियल में कोई घटना घटी? हाँ, मतलब सेट पे, या फिर कोई ऐसी याद जो साइको से जुड़ गई हो आपके लिए. वही जो मैंने आपको टेप वाला इंसिडेंट बताया था, वो टेप मुंह पे बांधते हैं, तो आई वाज लिटरली स्कैर्ड कि बहुत जोर से बांधता है, ऑल रैशेस ऑल ओवर माय बॉडी, हैंड्स एंड माय लेग्स, ये क्या हो रहा है. बट देन एंड देन क्लाइमेक्स का भी है, व्हेन जब वो मेरा गला दबाते हैं, तब भी वो, मैंने कहा वो इतने जोश में आए थे, देन आई वाज लाइक ओके, ये एक्टिंग है, सच में मेरा गला दबाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, अभी क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द अब YouTube के जरिए आपका सीरीज जो है धूम मचाने आ रहा है. मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. मैंने अपने फेसबुक पे भी प्रमोट किया है इसको, पेज को, साइको का. प्लीज आप भी कीजिए, साइको के पेज को लाइक कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए. बिल्कुल. और सब देखेंगे, फिर देखते हैं कैसा आता है. मजा आएगा दर्शकों को? ऑफ कोर्स मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा. मैंने बहुत मेहनत की है, सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, स्पेशली मुनीश जी ने बहुत मेहनत की है उन्होंने. और लखविंदर जी के डायरेक्शन में कुछ अलग फील किया आपने? डेफिनेटली. मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया था कि जब मैं साइको कर रही थी, तो फर्स्ट ऐसे
एज आई वॉज वर्किंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इज लाइक कि कैसे डायरेक्टर होंगे, आई डोंट नो, आई वॉज वेरी नर्वस फर्स्ट. तो बाद में जब उन्होंने बात बात करी, इट वॉज सो कम्फर्टेबल, मैंने कभी फील ही नहीं किया कि मैंने साथ फर्स्ट टाइम काम किया. एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर, आपको ऐसे नहीं फील होने देते कि आप गंदा परफॉर्म कर रहे हो या फिर ऐसा आपको नर्वसनेस हो रही है, देन आके समझाते हैं कि नहीं ठीक है एक और कर लेते हैं. बिल्कुल, हमारी शुभकामना है निशा कि आप की जो खुशी है वो बरकरार रहे और आपके अंदर का जो जोश है वो भी लोगों तक पहुंचे, ताकि आपको लोग देखें जब स्क्रीन पर तो कहें कि वाह साइको हो तो निशा जैसी साइको. मैं मतलब साइको नहीं. नहीं, यही तो बात है, सीरीज का नाम है साइको. और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी बहुत बड़ा साइको है? ओह माय गॉड, तब तो मैं डर जाऊंगी डेफिनेटली, बिकॉज मेरे लाइफ में पड़ा एक दो साइको से पाला, तो या आई विल बी स्कैर्ड. तो कुल मिलाकर बहुत कुछ नया है आपके इस शो में, जिसमें जिसका नाम है साइको, और साइको में म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे शॉर्ट्स आपको अलग किस्म के महसूस कराएंगे कि कुछ नयापन है इसमें. और हम दुआ करेंगे कि निशा का जो पूरा सफ़र रहा है साइको को लेकर उसको आप महसूस करें, और मनोरंजन की दुनिया में अगर कुछ नया चाहते हैं आप तो आपको लगे कि वाकई इसमें कुछ खास है. हमसे जुड़ने के लिए निशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और निश्चित रूप से हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि साइको बहुत अलग हटके है. आप भी कहेंगे वाह साइको हो तो ऐसा.